हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पॉइंट को। दिस इज संजय चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, एंड जो लोग नहीं भी लेना चाहते लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा है इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए कि कैसा है ये यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के एक कैंडिडेट हैं जो कि लास्ट ईयर एडमिशन लिए थे और इनका आई थिंक फर्स्ट ईयर चल रहा है ये, एंड इनका नाम है राहुल। राहुल आपको बताएंगे इस विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल्ड में। वेलकम टू टेक फॉर इन्फो राहुल, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज राहुल कुमार एंड आई एम फ्रॉम गढ़वा झारखंड। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी व्हिच इज आल्सो नोन एज रांची कॉलेज, and my schooling were done in DAV Secondary Public School, Monapur, Garhwa, and my stream was PCM. Okay, जैसा कि हम जानते हैं राहुल कि आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में लास्ट ईयर ही एडमिशन लिए थे, वो भी CUT के स्कोर के बेसिस पे, तो अभी आपका कितना वक्त हो गया है, कितने सेमेस्टर निकल चुके हैं, एंड अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करिए। जैसा कि अभी पिछले कुछ सालों से सेशन सारी डिले चल रही है, तो अभी हमारी भी एडमिशन नवंबर मंथ में हुई थी। नवंबर में एडमिशन हुई बट क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट हुई, 12 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई और अभी दो से तीन मंथ क्लास हुई और अभी सेमेस्टर एग्जाम चल रही, तो अभी मैं जबकि मेरे को सेकेंड सेमेस्टर में होने चाहिए थे लेकिन अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही हूँ। काफी डिले चल रही है। अगर हाँ क्लासेस काफी डिले चल रही है, सेशन डिले चल रही है, और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज कैंपस बहुत बड़ा है, ह्यूज कैंपस है, पूरा जंगल से भरा हुआ है, बहुत दूर दूर डिपार्टमेंट्स हैं। अभी जैसा कि मेरा तीन मंथ हो गया है यहाँ पे बिलासपुर में, तो मैं बता सकता हूँ कि कैसा यहाँ माहौल है। जैसा कि बिलासपुर एक उतना बड़ा सिटी नहीं है, आप जानते होंगे, तो बिलासपुर से ना एक मेन सिटी से काफी दूर है, कोनी जनरली सिटी के बाहर कोनी एरिया में, कोनी विलेज में है, तो थोड़ा सा आपको वैसा चहल पहल नहीं मिलता है जैसे बिग सिटी वाला फील यहाँ पे नहीं आती है। और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज कैंपस काफी बड़ा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई छोटे सी यूनिवर्सिटी में। मैं बहुत सारे वीडियो देखा था तो लोग ना इसको बहुत अंडररेटेड मतलब बताते ही नहीं थे कि ऐसा भी अच्छा यूनिवर्सिटी, सिर्फ ना मैं नॉर्मल सुनता था कि ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ आने के बाद जितने भी मेरे मिथ थे वो यहाँ पे क्लियर हुए कि नहीं, उतने भी खराब नहीं है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जितना मेरे को बताया गया था। ठीक है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ना कुछ अपर ही था, लोअर नहीं था। हाँ हाँ ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ की जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, क्लासेस हैं, वो कैसी चल रही हैं, एंड जो वहाँ के फैकल्टीज हैं वो कैसे हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए। आपने बता दिया कि जो है डिपार्टमेंट दूर दूर है और कैंपस जो है काफी बड़ा है, यानी कि लगभग 600 एकड़ के आसपास का शायद कैंपस है, एंड कैंपस बड़ा होने की वजह से जो है यहाँ पर जंगल एरिया भी है आई थिंक, राइट? हाँ हाँ, बहुत है। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग क्या बहुत पुराने हो गए हैं या नए हैं, एंड अगर पुराने हैं तो क्या पढ़ने लायक है या नहीं, क्या डर लगता है? देखिए मेरे साथ बहुत गंदा एक एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं जब फर्स्ट डे एडमिशन लेने आया था 23 नवंबर को, तो CSIT एक ओल्ड बिल्डिंग है और एक CSIT न्यू बिल्डिंग है। तो एडमिशन प्रोसेस हो रहा था CSIT ओल्ड बिल्डिंग में। मैं जब पहले विजिट किया, जस्ट गेट के सामने है वो CSIT न्यू ओल्ड बिल्डिंग, उसको देख के मेरे को लगा कि भाई यहाँ एडमिशन लू या ना लू, ऐसा बिल्डिंग था, लग रहा था कब गिर जाएगा, इंप्रेशन बहुत गंदा हो गया था एडमिशन लू या ना लू। लेकिन फिर किसी ने बताया ना ये पुराना बिल्डिंग है, नया बिल्डिंग कहीं और है, और देखिए लकली हम लोग फर्स्ट बैच है न्यू CSIT बिल्डिंग के। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे पुराना CSIT बिल्डिंग ना बहुत नजदीक था मेन गेट से, लेकिन अभी जो नया वाला CSIT बिल्डिंग है सबसे इंड छोर पे बना हुआ है, लाइक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपको पैदल जाने पड़ेगा कैंपस में। और जैसे मैं बताया कि कैंपस बहुत बड़ा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस का बहुत थोड़ा सा इशू है, बसेज नहीं चलती है यूनिवर्सिटी की, तो आपको पैदल जाना है या साइकिल लेके जाइए आप? हाँ, या तो आप साइकिल रख लीजिए या फिर पैदल चलिए या फिर बाइक, ट्रांसपोर्ट सर्विस उतना अच्छा नहीं है यहाँ का। ओके, तो राहुल यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, किस किस प्रोसेस पर गुजरना पड़ता है? फर्स्ट तो ये है हमें CUT का एग्जाम देना होगा, उसमें जो हमारे मार्क्स आएंगे, जो रैंक आएंगे, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, लेकिन काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बताइए। जैसा कि हमने बताया इसमें CUT के थ्रू एडमिशन होती है, तो इसका ना अलग से ना फॉर्म भी अप्लाई करना होता है, लाइक आपने CUT तो फॉर्म भरी ही है, लेकिन आपको गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के पोर्टल पे आके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आई थिंक 100 रुपीज चार्ज है उसका, लगा था मेरे टाइम, अभी तो पता नहीं क्या अभी प्रोसेस है। तो वहां पे हम लोग अप्लाई किए, उसके बाद ना एक कॉमन मेरिट लिस्ट आई, जनरल OBC SST सारी की एक सिंगल मेरिट लिस्ट, उसके बाद हम लोग को एक मेल आया
जिसने लिखा हुआ था लाइक 17 तारीख को अनरिजर्व कैटेगरी का 130 प्लस मार्क्स वालों को बुलाया गया था। ओके, तो ओपन में क्या हुआ कि मैक्स बहुत सारे लोग आ गए 17 तारीख, लेकिन मैं एससी से था तो मैं सोच लिया था कि एससी वालों का दो डेट मिली थी, एक 17 को अनरिजर्व की और एससी एसटी ओबीसी को 23 तारीख को। ओके, तो मैं 17 को नहीं गया और वहां पे कट ऑफ आई थिंक जनरल में 180 के आसपास गया था। ओके, और वहां पे ऑफलाइन जाना पड़ा, वहां पे अप्लाई करना पड़ा, एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ा था, उसके बाद वहां फिजिकली वहां जाने के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट आई थी। ओके, शॉर्टलिस्टेड लोग। ओके, जितना मैं समझ पाया हूं आपके बताने के हिसाब से, उसमें ये है कि आप जब फॉर्म भर देंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का, उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा उसके बिहार पे एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी जो कि सभी के लिए होगा, ठीक है, कि हाँ आपका ये रैंक है इस कॉलेज में और आपको और काउंसलिंग करवानी है तो हमारे कॉलेज में आइए, आपको फिजिकली आना है, राइट। इसके बाद क्या है कि आप फिजिकली जाएंगे, कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जाएंगे, जो बच्चे जाएंगे उनके बेसिस पे एक अलग से रैंक जनरेट होगा कैटेगरी वाइज, राइट। जितनी फिर सीटें रहेंगी और जिनका रैंक टॉप पे रहेगा उनको सीटें मिलेंगी फर्स्ट राउंड में, फिर अगर नहीं मिला तो उनको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड का, अगर नेक्स्ट राउंड में सीटें खाली होंगी तो नेक्स्ट राउंड में होगा, फिर नेक्स्ट राउंड में भी यानी कि राउंड 2 में भी अगर वैकेंट रहती है सीटें तो वो राउंड 3 में जाएंगे, राइट। थ्री राउंड हुई थी। ओके, स्पॉट राउंड भी होती है क्या इसके बाद? हाँ हुई थी। ओके ठीक, स्पॉट राउंड हुई थी, फिजिकली ही हुई थी। टोटल सीट कितनी है एमसीए की? एमसीए की टोटल सीट 75 है यहाँ पे। ओके, तो राहुल अब एक चीज और डाउट उठता है कि यहाँ का फीस कितना आपने टोटल पे किया था, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, मेस फीस एंड एकेडमिक फीस, तीनों को अलग अलग बताइएगा, एंड हॉस्टल एंड मेस का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर करिए। तो जैसे कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फी तो कमी होती है, तो मेरा सेमेस्टर का एक फर्स्ट सेमेस्टर का फी लगा था 14,700। ओके, जो कि 15,000 से भी कम है। ओके, और हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल देखिए यहाँ पे ना हॉस्टल की शॉर्टेज है, बहुत कम ही हॉस्टल अलॉटमेंट होता है डिपार्टमेंट वाइज और कोर्स वाइज, तो आपको मेरिट के बेसिस पे हॉस्टल्स मिलती है, लाइक ओपन की 2 सीट, एससी की 2 सीट, एसटी की 2 सीट, इस टाइप से, तो जिसका मेरिट बना तो उसका होता है। जैसा कि मुझे भी हॉस्टल अलॉट हुआ था तो मेरे से 22,000 रुपीज मांगा गया था, लाइक 6 मंथ का है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना कॉस्टली लगा मेरे अकॉर्डिंगली है, तो मैंने बाहर पीजी लिया। ओके, यहाँ का जो बाहर रहने का एकोमोडेशन खर्च है, फूड का, रहने का, ट्रांसपोर्ट का, वो बहुत मिनिमम है, बहुत कम पैसों में आप यहाँ पे बाहर से भी रह सकते हैं। और हाँ, एक और रीजन था वहाँ के, वहाँ ज्वाइन ना करने का, मेस में आपको प्योर भेज, जैसा कि यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास जी का है, उनके नाम से चलता है, तो यहाँ ना कैंपस में चिकन अलाउड नहीं है, थोड़ा सा वियर्ड थिंग लगा था मेरे को, क्योंकि वो गॉड गॉड से रिलेटेड कुछ है, तो चिकन कैंपस में अलाउड नहीं है, मेस में भी नहीं अलाउड है, अगर कोई पकड़े जाता है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है हॉस्टल में भी। ओके, फ्रेंड्स बताते हैं सब चीज, ठीक है, मेस फूड रिव्यू काफी अच्छा रहा है, ठीक है, मतलब लिमिटेड सीट है, अगर लिमिटेड सीट है और अगर आपको बाई चांस नहीं भी मिलता है तो आप उससे सस्ते में बाहर रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं हॉस्टल्स बाहर, राइट, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे आपको हॉस्टल मिल जाएंगे या रूम्स मिल जाएंगे और क्या प्राइसेस होंगी अगर रूम लेना चाहें, सिंगल रूम लिया जाए जिसमें आपका किचन हो, बाथरूम हो, सेपरेट हो, अगर आपको लेना है तो कितने मिल जाएगा? पहले मैंने बताया कि कोनी एक छोटा सा एरिया है विलेज टाइप का, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप अगर एकदम अच्छे से अच्छा खोजेंगे ना तो 2500 रुपीस में आपको रूम मिल जाती है यहाँ पे, 3000 तक में अच्छे खासे रूम जिसमें 2 लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, उसमें और भाई कॉलेज डिस्टेंस मैं बताऊं तो लाइक हाँ ठीक, कॉलेज से डिस्टेंस तो लगभग भाई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको एक यहाँ पे कॉलोनी है, रिवर व्यू कॉलोनी, जिसमें अच्छे से अच्छे लाइक 1700 रुपीस में 1600 रुपीस में पर बेड मिल जाती है रूम। ओके ठीक है, तो मतलब काफी सस्ता है वहां पर सरवाइव करना, राइट? हाँ, सस्ता तो है ये एरिया, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस कॉलेज में पढ़ना, मतलब पढ़ाई की जो फीस है, एकेडमिक फीस, हॉस्टल एंड मेस भी काफी सस्ता है, कॉलेज में भी 22,000 लग रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है फिलहाल, 6 महीने का लग रहा है, लेकिन अगर बाहर रह रहे हैं तो भी आपको सस्ते में रहने को मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात मैं करना चाहूंगा कि क्या किसी भी तरह का स्कॉलरशिप मिल जा रहा है जो इनसाइडर है, यानी कि जो है इस सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी के लिए भी कोई भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं? मेरे फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के भी हैं यहाँ पे काफी लोग, और उनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप आई है, और सारे सारे अदर स्टेट वाले लोग का भी अपने स्टेट का जो स्कॉलरशिप है वो मिलता ही मिलता है।
राहुल, मैं नेक्स्ट बात ये करना चाहूंगा कि आपके कॉलेज का प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है किसी भी कॉलेज में तो वहां का प्लेसमेंट जानना चाहता है, और एक्चुअली भी जानना भी चाहिए कि प्लेसमेंट क्या जा रहा। तो अभी तक का हाईएस्ट पैकेज, अभी तक जितने भी साल से एमसीए वहां चल रहा है, अभी तक का हाईएस्ट पैकेज क्या गया है, एंड आपकी जो प्रीवियस बैच है यानी कि आपके जो सीनियर्स है उनका प्लेसमेंट कैसा चल रहा है इस साल? देखिए, प्लेसमेंट के नाम पे तो यहाँ वैसा कुछ बड़ा सिनेरियो है नहीं, बहुत बहुत कम लोगों की प्लेसमेंट हुई है और पैकेजेस भी उतने हाईफाई नहीं मिले हैं। लाइक मैक्सिमम देखने को मिलता है 3 लाख 4 लाख, ऐसे ही विप्रो टीसीएस यही सब कंपनी आती हैं और यही से ले जाती हैं। मतलब ऐसा बड़ा बड़ा जैसे फिगर होते हैं 10 लाख 20 लाख, ये वाला पैकेज अभी तक मैंने यहाँ पे नहीं सुना है। ठीक है, प्लेसमेंट देखिए ऑन कैंपस तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कोई डाटा है नहीं, और ऑफ कैंपस करते होंगे लोग, लेकिन ऑन कैंपस का उतना है नहीं यहाँ पे प्लेसमेंट। अदर डिपार्टमेंट में होंगे लेकिन एमसीए में स्पेसिफिक बीटेक में होते हैं, लेकिन एमसीए में उतने नहीं होते हैं यहाँ पे। अगर कोई प्लेसमेंट के नाम पे आना चाहता है तो ये प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं है। अच्छा, तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनको अंदर से जिज्ञासा है कि एक्चुअल में प्लेसमेंट कैसा है एंड एक्चुअल डेटा क्या है, तो उसके लिए मैं पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाइएगा चेक कर लीजिएगा, उसमें लगभग सारे कोर्सेज के प्लेसमेंट दिए रहेंगे। ये पीडीएफ का लिंक आपको इनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो डेटा है ये 2022 में जो बच्चे पास आउट हुए थे उनका है। राहुल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो एकेडमिक्स है यानी कि क्लासेस हैं और चीजें हैं वो कैसी हैं, कैसे चलती हैं, क्या रूटीन्स होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करिए। देखिए, जैसा मैं नाम सुन के जैसा मेरा इमेज बना हुआ था यहाँ पे कि यूजी में क्लासेस नहीं होंगे, बहुत लाइक लो फ्रीक्वेंसी है कॉलेज, तो मैं यहाँ देख शॉक हो गया। जैसे क्लासेस चल रही थी, रेगुलर क्लासेस चलना, लाइक रेगुलर सिटीज होना, रेगुलर प्रेजेंटेशन लेना, मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक इस तरह का टीचिंग होगा। और टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत टीचर रिस्पॉन्सिव है। आप अगर छोटे से छोटे डाउट लेकर उनके केबिन में भी जाते हैं, तुरंत अपना वो अटेंशन देते हैं आपको। मतलब इमेज मेरा जैसा था ना वैसा एकदम नहीं रहा, यहाँ पे बहुत अच्छा है, टीचिंग के हिसाब से बहुत सही रहा। और क्लासेस ना सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लैब वगैरह भी रेगुलर होते हैं, मैंडेटरी रहते हैं सारे क्लासेस। ओके, अटेंडेंस का तो वही लोचा रहता है सब जगह 75% वाला। ठीक है, तो राहुल क्लासेस अच्छी चलती है ये बात आपने बता दिया, प्लेसमेंट कैसी है ये बता दिया आपने, ओवरऑल सारा डिस्कशन कर लिया हमने। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है किसी भी कॉलेज में तो ये सोच के लेता है कि वहां पर थोड़ा एंजॉयमेंट होगा, तो एंजॉयमेंट के नाम पे यानी कि कोई कल्चरल फेस्ट होता है एंजॉयमेंट के नाम पे या नहीं होता है, लाइक डीजे नाइट हो या समथिंग और भी हो हर एक ईयर, ऐसा कुछ है या नहीं? यहाँ पे जैसे कि एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, यहाँ हर डिपार्टमेंट का एक अलग फेस्ट होता है, एनुअल फेस्ट होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना फेस्ट होता है। अभी रिसेंटली मार्च में 4 से 5 फेस्ट हुई, लाइक साइंस फेस्ट, स्पेक्ट्रो, अक्सा और भी कई छोटे मोटे फेस्ट होते ही रहते हैं, डीजे नाइट्स, अभी शॉर्ट फिल्म का भी हुआ था, बहुत सारे तरह का फेस्ट होता है यहाँ पे। एंजॉयमेंट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे हर समय एंजॉयमेंट, होली का अलग एक सेपरेट ही मजा रहता है, जीजीयू की होली बहुत फेमस है यहाँ की होली। कल्चरल फेस्ट अगर अच्छा है तो क्या टेक फेस्ट के नाम पे भी कुछ होता है या नहीं होता है? ऐसा भी मैं बताया, स्पेक्ट्रो नाम का टेक फेस्ट ही है यहाँ पे, अभी रिसेंटली रोबो वार वगैरह देखने को मिला था, वेबसाइट अपना आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते थे, तरह तरह की कल्चरल फेस्ट भी उसमें थी स्पेक्ट्रो में। तो क्या उससे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को? सपोज करिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने कोई वेबसाइट बना रखी है, चाहे उसमें फ्रंट एंड बना रखा है चाहे बैक एंड कर रखा है, कुछ ना कुछ तो कर रखा है, दो-चार बच्चे मिलकर कर रखे हैं, और मैं उस टेक फेस्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ, दिखाता हूँ कि मैंने ये फ्रंट एंड में यूज किया या बैक एंड में यूज किया है, ये टेक्नोलॉजी मैंने यूज की है, तो क्या उसका कुछ बेनिफिट मिलता है या कंपनी डायरेक्टली वहां से उठा सकती है हमें? देखिए, टेक फेस्ट में बाहरी लोग बहुत आए थे, लाइक बाहरी लोगों को भी मौका दिया गया था और बाहर के प्रोफेसर्स भी आए थे, तो मेरे को लगता है कि टीचर्स देख के अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर इनहेंस किए होंगे उसको, आगे फॉरवर्ड जरूर किए होंगे कुछ ना कुछ। तो ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको अगर देखा जाए तो 5-6 महीने के आसपास आपको हो गए हैं। अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट थिंग जो कि आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में लगा? देखिए, कैंपस पहला, कैंपस बहुत ही अच्छा है, लाइक क्लीन, बड़ा, और टीचिंग, टीचर्स बहुत रिस्पॉन्सिव है, क्लासेस रेगुलर होती है, बहुत मेजर चीज है, क्लासेस होती है रेगुलरली, और फेस्ट भी अच्छी खासी हुई है अभी मार्च में, ये सब पॉजिटिव चीज है इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगर मैं सबसे खराब चीज की बात करूं, सबसे वर्स्ट थिंग्स जो आपको यहाँ के बारे में लगी है वो क्या है? देखिए, एक जैसे मैं अभी एमसीए स्टूडेंट हूँ तो मेरे को
क्या चाहिए, मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है जीजीयू की। यहाँ पे अगर आप अदर डिपार्टमेंट के लिए बात करें तो वो सब अच्छी है, लेकिन अगर अगर कोई आदमी एमसीए यहाँ करने आया तो कंपनीज को तो आनी पड़ेगी ना, यहाँ कंपनीज उतनी नहीं आती है, तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। और एक डिमेरिट और है, जैसे कि मैं बताया था कि बहुत बड़ा कैंपस है तो ट्रांसपोर्ट करना बहुत दिक्कत है, यहाँ पे बसेज नहीं चलती है। ओके, अब अगर आपको रेट करना हो अपने कॉलेज को आउट ऑफ 10 कितना आप देंगे रेटिंग में अपने हिसाब से? अगर ओवरऑल अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो मैं अच्छा ही रिव्यू दूंगा। अगर डिपार्टमेंट वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा सा तो कम रहे, जैसे अगर कम्प्लीटली अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटी में आई थिंक 1 तो देना चाहूंगा ओवरऑल, लेकिन अगर सीएसआईटी डिपार्टमेंट का बात करूं तो लाइक 6 to 7। ओके, तो राहुल अब हम इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे हैं, तो ऐसे बच्चे जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनको आपका लास्ट मैसेज क्या होगा, और क्या आप सजेस्ट करेंगे कि आपके जैसे जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस साल एडमिशन लें या इस कॉलेज को एज ए बी ऑप्शन रखें, ए ऑप्शन रखें, या क्या करें, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप बताइए। देखिए अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जीजीयू हैं, अगर काफी अच्छा रैंक है तो, क्योंकि अदर ऑप्शन भी अच्छे हैं। और अगर आप झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के इस रीजन के हैं ना, तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि जानते हैं हम लोग सीयू कर्नाटका ये सब में भी उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ की भी क्या क्या हाल है, मेरा खुद पॉन्डिचेरी कार्यक्रम में हुआ था, मैं वहाँ भी नहीं गया क्योंकि वहाँ का भी ना प्लेसमेंट का वही सीन है, और उधर तो लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा होता है हम लोगों को। तो अगर यहाँ के आस पास के हैं और आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी होती है, चाहे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लो लेवल की, जैसे लो रैंक वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ऑफ कैंपस ही आपको तैयारी करनी होगी। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका रैंक कम है और आप नजदीक की है छत्तीसगढ़ के तो आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो राहुल जितना मैं समझ पाया हूँ आपका जो ओपिनियन है इस बात पे कि एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो ये है कि अगर आप नियर बाई के हैं इस कॉलेज के तो आप ले सकते हैं। उसका रीजन ये है कि एक नियर बाई में रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सिमिलर यूनिवर्सिटी किसी और जगह जा रहे हैं क्योंकि अदर स्टेट में है या थोड़ा दूर है तो वहां पर एक तो वो है कि प्लेसमेंट वहां भी नहीं है, तो आप वहां जाएंगे क्यों, प्लेसमेंट के लिए आप भटकेंगे या दूर जाएंगे, जब प्लेसमेंट वहां भी नहीं मिल रहा तो आपको वहां जाने का मतलब नहीं निकलता। सेकंड चीज ये है कि यहां पर आप एडमिशन तब लीजिए जब आपको लगता कि आपके अंदर खुद वो एबिलिटी है कि आप पढ़ के अपने बलबूते पे आप जो है किसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देकर के उस कंपनी में जगह बना सकते हैं, प्लेसमेंट ले सकते हैं ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको डिग्री मिल जाएगी जो कि जिससे कि आपके पास एंट्री वाला जो बैरियर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी आपको एमसीए की डिग्री तो प्रोवाइड कर देगी, साथ में क्लासेस सही चल रही है तो आपको नॉलेज भी हो जाएगा, वो अलग बात है कंपनीज नहीं आ रही है, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं और इस यूनिवर्सिटी में बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, आप डेटा उठाएंगे तो बच्चे प्लेसमेंट लिए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड राहुल थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन, योर पॉइंट ऑफ व्यू विद द स्टूडेंट्स। अगर किसी को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना है राहुल से तो उनका लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी हेल्प होगा वो डेफिनेटली राहुल करेंगे। एंड अगर कोई डाउट होगा ऐसा जो कि आप पर्सनली पूछना चाहते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विद राहुल। ओके, नाउ वी वांट टू एंड दिस मीटिंग एंड थैंक यू राहुल फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू।